महापुरुषों से मैंने ये कथा सुनी है, आपको सुनाऊं। परम नास्तिक, कथा सत्संग कीर्तन भजन साधु महात्मा भगवान से कोसों दूर। अब पिताजी उतने भगत, पिताजी को चिंता रहती थी कि मेरे बच्चे का कल्याण कैसे होगा, तो महापापी है ये, कहां से आ गया मेरे घर में। एक दिन गुरु जी आए, पिताजी गुरु जी के चरणों में बैठकर रोने लगे, सरकार बच्चे का कल्याण करो मेरे। गुरु जी बोले बुलाओ उसको, बुलाओ। आया, प्रणाम भी नहीं किया, बोलो क्यों बुलाया हमको। गुरु जी बोले राम बोल। बोला आज तक नहीं बोला, कैसे बोल दूंगा। बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं। बोल राम। बोला नहीं बोलूंगा, जो करना कर लो। बोला मैं मारूंगा। बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं। लड़का बोला कुछ भी कर लो राम, नहीं बोलूंगा। बोला बोला ना, बोला ना कि राम नहीं, राम बोला ना। तो बोला ऐसे ऐसे एक बार बोल देने से क्या हो जाएगा। महात्मा बोले तेरे लिए यही पर्याप्त है, जो प्राप्त है तुझे यही पर्याप्त है। एक काम कर, सुन, अब बोलना चाहे मत बोलना, जब शरीर शांत हो तेरा और ऊपर जाएगा हिसाब होगा ना, तो चुपचाप खड़े रहना, देखना कि तुझे क्या सजा दी जा रही है। जब तेरा एकदम पूरा हिसाब हो जाए, तुझे सजा देने के लिए ले जाने लगे, तो कहना कि मैंने एक बार जीवन में राम बोला था, उसका पहले फल दीजिए, उसका पहले फल भोगूंगा फिर जाऊंगा सजा काटने। तो पूछा क्या मांगूंगा। बोला यही तो बात है, तू कुछ मत मांगना, तुम कहना कि एक बार राम कहने का फल दो। वो पूछेंगे क्या फल चाहिए, तो तुम कहना कि आपको जो समझ में आवे, हम नहीं जानते। समय काल बीता, वो मरा, ऊपर गया, हिसाब हुआ। चित्रगुप्त बोले यमराज से, सरकार इसका नरक फाइनल हो रहा है, नरक। यमराज बोले भेजो। बोला रुकिए, कहां भेजो, एक बार राम बोला हूं, पहले उसका फल दीजिए। चित्रकूट बोला तुम राम बोले हो, पापी कहीं का। बोला चेक करिए, अकाउंट बैलेंस शीट निकालिए मेरा, देखिए कहीं छूट गया होगा। चित्रगुप्त ने फिर से ध्यान से देखा, बोला सरकार एक बार बोला है, वो भी बरबस गुस्से में बोला है। बोला बोला हूं ना, गुस्से में बोला, चाहे जय बोला हूं ना राम, फल दीजिए। यमराज बोले तुझे तो नरक भेज के रहूंगा मैं, बोल क्या चाहिए। बोला हमको क्या पता, आपको जो उचित लगे एक बार राम कहने का फल दे दीजिए। अब यमराज फंसे, सोचे भाई एक बार राम कहने का क्या फल दिया जाए इसे, जब कुछ समझ में बात नहीं आई। तो बोले इसको पकड़ो, ले चलो ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बताएंगे। आप समझिएगा, जहां जाने के लिए मुनि लोग तपस्या करते हैं, फ्री में एंट्री हो रही है इसकी। यमराज पकड़ के ले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से बोले एक बार राम बोल दिया है, 3 घंटे से परेशान किया है हमको, ये बताइए पितामह इसको एक बार राम बोलने का क्या फल दिया जाए। ब्रह्मा जी बोले हम क्या बतावें, मुझे नहीं मालूम। एक काम करो, शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं, इसको लेके कैलाश चलो। ब्रह्मा जी बोले हमको भी जानना है, लेके चलो। अब ब्रह्मा जी और यमराज दोनों लेकर पहुंचे कैलाश, दूसरी एंट्री मिली उसको कैलाश की। कैलाश गए शंकर भगवान के पास, ब्रह्मा जी ने अपनी बात रखी। बाबा बोले देखिए ब्रह्मा जी, हम तो खाली जपते हैं, फल वल की चिंता हम नहीं करते। अब ये मांग रहा है फल चाहिए, तो शंकर जी बोले क्यों ना जिसका नाम है उसी से पूछ लिया जाए। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी और यमराज उसको लेकर साकेत राम जी के धाम प्रस्तुत भय हो, भगवान के धाम चले गए लेकर। शंकर जी बोले प्रभु क्षमा करिएगा, अचानक आ गए नाथ, ये लड़का हम सबको फंसा करके घुमा रहा है, एक बार बिना मन से राम जबरदस्ती बोला है और कह रहा फल चाहिए, क्या दे दिया जाए इसको प्रभु। राम जी मुस्कुराए, कहे इधर आओ, बच्चे को बुला के राम जी अपने गोद में बिठाए उसको। शंकर जी से और ब्रह्मा जी से यमराज से बोले आप लोग जाइए। ब्रह्मा जी बोले कहां जाइए, फल बताइए ना, एक बार राम बोला है तो कौन सा फल दिया जाए। राम जी बोले अभी बताना बाकी है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कि एक बार राम बोलने के कारण इसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई है, अब इससे अधिक क्या चाहिए जीवन में।
ये महापुरुषों की कथा है माई बाप। इस कलिकाल में जहां हम और आप हैं, यहां केवल एक ही साधन है, भगवत नाम। जितना हो सके नाम के आश्रय में रहिए।